सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो एजी अमृतसर पंजाब न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल तो अमरजीत सिंह। वीडियो देखने तो पहला चैनल को लाइक शेयर सबसक्राइब और बैल आइकन जरूर दबाया करो ताकि हर एक वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। असी सारे बहुत माण महसूस कर रहे हैं। खेलो इंडिया वुमेन ट्रैक साइकिलिंग लीग का उपराला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बेड़े दे विच करवाया जा रहा है। एंड ये उपराला सक्सैसफुली अज तीजे दिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साइकिलिंग ट्रैक के उपर चलता होया। दो इवेंट खत्म हो चुके ने, हुण तीसरा इवेंट स्टार्ट होना है। टाइम ट्रायल्स फाइनल डिस्टेंस 500 मीटर विमेन एलीट का। सो सारे फीमेल राइडर्स रेडी रहन। कहते हैं परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। सो दो दिन एक खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग रोड इवेंट सक्सेसफुली समाप्त होया अटारी रोड के उपर। सो हुण दो दिन एक खेलो इंडिया वुमेन ट्रैक साइकिलिंग लीग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इस वेड़े दे विच करवाई जाएगी, अज ते कल दे दिन, दो दिन। सो असीं उम्मीद करते हाँ कि यह उपराला सक्सेसफुल रहेगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नूं ये उपराला कराने की जिम्मेवारी दी गई है। एंड असीं तहे दिल धन्नवादी हाँ कि साडी यूनिवर्सिटी नूं जिम्मेवारी सौंपी गई है। CFI के सारे मैंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने साढ़े से विश्वास किया, तो विश्वास करते हुए साड़ी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की इस धरती को चुने। असी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ साढ़े स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर कन्वर मनदीप सर का, जिन्ह की देख रेख हेठ ये उपराला करवाया जा रहा है। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साइकिलिंग खेलो इंडिया वुमेन ट्रैक साइकिलिंग लीग हो रही है जोन वन की, जो कि नॉर्थ जोन है, नॉर्थ के सारे स्टेट्स ये आ रही ने। इदा ही इंडिया होर जोन ने, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, यानी साउथ ईस्ट वैसट जोन, उत्थे भी सेम डेटा पर ये कंपीटिशन कराए जा रहे हैं। वो तो बाद कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए जेडे नॉर्थ जोन तो, ईस्ट जोन तो, वैसट जोन तो, साउथ जोन तो, वो फिर इंटर जोन दे विच दिल्ली विच पार्टिसिपेट करेंगे। ते सर जेडे दो दिन तो रोड शो ते चल रहे हैं साइकिलिंग वगैरह ते उरे बारे कहना चाहते नहीं, जेड़ा रोड साइकिलिंग टोटली डिफरेंट है वो हो चुकी है खत्म। वो असी लास्ट फेज इत्थे अमृतसर दे विच अटारी रोड उत्थे कराया बॉर्डर रोड ते, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इत्थे कैश अवार्ड दे रही है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया जिहड़ी कि साई ते मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने मिलके ये लीग स्टार्ट कराई है टू प्रमोट साइकिलिंग अमंग द वूमेन्स, है ना, कुड़ियों में साइकिलिंग प्रमोट किया जाए। तो रोड बड़ी सक्सेसफुली खत्म हो गई है, हुण ट्रैक शुरू हुई है, पहला फेज इत्थे शुरू होया। वो तो बाद NIS पटियाले होएगा ऐसे हफ्ते 2-3 तरीक नूं, वो तो बाद फिर NIS पटियाले एक होर एक दो दिन का गैप दे के फिर दोबारा शुरू होएगी। सो तीन मतलब कि कंपटीशन कराए जाएंगे और बच्चों को जो प्राइस मनी है ये 10th, 1st place 10,000 rupees, 2nd place 6,000 rupees एंड 3rd place 4,000 rupees दिता जाता है। ये कैश अवार्ड बच्चों के अकाउंट डायरैक्ट ही खेलो इंडिया वाले पा देंगे। नहीं सरकार ये खेलो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर का साई वालों किया विद द कलैबरेशन विद साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जी है वो पूरे कंट्री के साइकिलिंग प्रमोट करती है। सो वो फेडरेशन है जी कि ओंकार सर के अंडर उन्होंने लीडरशिप के थले चल रही है, तो मनिंदर जी साढ़े जनरल सैकटरी ने, तो साड़ी पूरी टीम है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जी कंपटीशन जगह जगह करवाती है जी। थैंक यू जी। थैंक यू।